हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट इंडिया में एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर ली है। इन्होंने सिर्फ 6 महीने में जैन से लेकर जुलाई 2023 तक $3.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है फ्लिपकार्ट में, और अब फ्लिपकार्ट में जो इनका स्टेक है वो 80.5% हो चुका है। मतलब कहने का ये है कि अब फ्लिपकार्ट का आधे से ज़्यादा हिस्सा वॉलमार्ट की तरफ जा चुका है और 80.5% का स्टेक अब सिर्फ और सिर्फ वॉलमार्ट गेन कर रहा है। रिमेनिंग 19.5% में 19.5% में बाकी लोग बचे हुए हैं। वॉलमार्ट के सीईओ का कहना यह है कि फ्लिपकार्ट का बहुत बड़ा स्कोप है, अभी फ्लिपकार्ट को अभी बहुत काम करना बाकी है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में ई कॉमर्स को लेके बहुत ज़्यादा अभी स्कोप बना हुआ है। इसीलिए वॉलमार्ट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फ्लिपकार्ट की कैपिटल या फ्लिपकार्ट में कर रहा है। अगर वॉलमार्ट इस तरीके से फंडिंग करता रहा फ्लिपकार्ट को, तो नो डाउट अगर फ्लिपकार्ट ने अपने आप को मेंटेन किया इंडिया में, तो फ्लिपकार्ट भी आगे चल के कुछ सालों में वन ऑफ द बेस्ट मार्केट प्लेस होगा इंडिया के लिए। वैसे भी फ्लिपकार्ट और अमेजोन ये दोनों ही टॉप लीडर्स हैं ई कॉमर्स सेक्टर में या ई कॉमर्स इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए, लेकिन कहीं कुछ जगह पे ऐसा देखा गया है कि फ्लिपकार्ट अमेजोन से थोड़ा पीछे रह जाता है और कुछ जगह पे अमेजोन फ्लिपकार्ट से थोड़ा पीछे रह जाता है। लेकिन बेसिकली अगर सेलर्स पर्सपेक्टिव से बात की जाए, जैसा आप लोग कहते हैं कि मैं फ्लिपकार्ट को लेके वीडियोज कम बनाता हूँ, मैं आपको बता दूँ फ्लिपकार्ट इतना मेजर अपडेट कोई करता ही नहीं है। अगर आप इनका नोटिफिकेशन या न्यूज़ सेक्शन आप जाके देखेंगे तो आपको कोई मेजर अपडेट्स हाल फिलहाल में दिखाई ही नहीं देंगे, और अगर कोई होता भी है तो मैं वीडियो जरूर बनाता हूँ। अमेजोन में क्या है कि वहाँ पे अपडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप उनका न्यूज़ या नोटिफिकेशन देखने जाएँ तो आए दिन कुछ ना कुछ बड़े अपडेट्स वो अपनी पॉलिसी में करता रहता है। लेकिन फ्लिपकार्ट की जो सेलिंग पॉलिसी है वो ओवर द ईयर्स अगर आप देखेंगे तो लमसम सेम रहती है, और वैसे भी फ्लिपकार्ट अब सेलर्स के लिए ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा है और वहाँ पे सेलर्स को ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू अमेजोन। अगर आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट में एक साथ सेलिंग स्टार्ट किया होगा आपने, तो आपने ये देखा होगा ओवर द ईयर्स फ्लिपकार्ट पे आपके ऑर्डर्स बढ़ते जा रहे होंगे अगर आप अच्छा कर रहे होंगे और लगातार अपने आइटम्स या कैटलॉग को बढ़ा रहे होंगे, बट अमेजोन पे ओवर द ईयर्स आपके ऑर्डर्स में भी कम हो रहे हों। उसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं, क्योंकि अमेजोन अब विजिबिलिटी को लेके बहुत सारे क्राइटेरिया, बहुत सारे बैड पॉलिसीज लेके आ गया, लेकिन फ्लिपकार्ट आज भी अपनी विजिबिलिटी पॉलिसी को चेंज नहीं किया है। उसका साफ कहना है कि जितने हायर टियर पे जाओगे उतनी ज़्यादा विजिबिलिटी आपको मिलेगी, और शुरुआत से फ्लिपकार्ट यही बात लेके चलता है, उसने कभी कोई चेंज नहीं किया है। आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट पे अगर एक बार आपका ब्रांड चल गया और आप पॉपुलर हो गए, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके 500 ऑर्डर आते हैं और आपके 50 या 100 ऑर्डर आए। 500 आते हैं, 450, 400 हो सकते हैं, पर ऐसा भी नहीं होता है, 500 है वो बढ़ते हुए ही जाते हैं अगर आपका ब्रांड, आपका प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो। तो फ्लिपकार्ट में अगर वॉलमार्ट इसी तरीके से इन्वेस्ट करता रहा तो फिलहाल फ्लिपकार्ट को पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, फंडिंग या शेयर्स को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, स्टेक को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। बस फ्लिपकार्ट को इंडिया में अपने आप को रिटेन करना है और अच्छा काम करना है। बस अर्थे एज अ सेलर आपको फ्लिपकार्ट में थोड़ा ग्रो करने में टाइम लग सकता है, बेसिकली लगता भी है, क्योंकि फ्लिपकार्ट में जो सर्चेबिलिटी है प्रोडक्ट्स की, आपके अकाउंट्स की विजिबिलिटी है, वो टीयर पे डिपेंड करती है कि आप किस टीयर में हैं। तो थोड़ा सा शुरुआत में तो फ्लिपकार्ट सेलर्स को स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन एक बार आप चल निकले ना तो फिर आप चल निकले, तो ये फ्लिपकार्ट की खासियत है। और अगर आप फ्लिपकार्ट को अच्छे तरीके से समझते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं तो नो डाउट आप फ्लिपकार्ट में ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी वो सारी चीज़ें जो अमेजोन में चलती हैं वो सिर्फ 20% है। मतलब अगर अमेजन में 100% है तो यहाँ पे सिर्फ 20% है, तो यहाँ पे अभी भी आपके पास स्लॉट है, चांस है अपने बिजनेस को और तेजी से ग्रो करने का। बस फ्लिपकार्ट को थोड़ा सा अपने रिटर्न या रिफंड रेट में ध्यान देना पड़ेगा और कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि थोड़ा सा इनका जो रिटर्न या रिफंड रेट है वो कम हो जाए, बाकी सब कुछ यहाँ पे ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।